एनडीए पूरी तरीके से बहुमत की ओर है और बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि अकेले भारतीय जनता पार्टी बहुमत के पार जा रही है। जो पिछला 2014 का जो आंकड़ा था उससे भी ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी अकेले ही लेती आ रही है। यहाँ उत्तर प्रदेश में बहुत ही जश्न का माहौल है। लखनऊ में जो भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्यालय है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हर धर्म और वर्ग के लोग भी नरेंद्र मोदी सरकार की जीत का जश्न जो है मना रही है। यहाँ पे कुछ मुस्लिम महिलाएं हैं, उनसे बात करेंगे कि वो यहाँ पे किस लिए हैं। जी आपका नाम और यहाँ पे आप? मैं शहनाज भानो हूँ, मैं अल्पसंख्यक मोर्चा में मंत्री पद पे हूँ। आपको क्यों लगता है भाजपा क्यों जीती? भाजपा मोदी जी के काम इतने अच्छे हैं कि हमारे मोदी जी तो मुसलमानों के हीरो हैं, हीरो। और हम लोग इतना मुसलमानों ने वोट दिया, मुस्लिम महिलाओं ने, हमने इतना ज़्यादा वोट अपनी महिलाओं से डलवाया कि बस पूछिए मत। हमारे महिलाओं ने क्यों वोट दिया? इसलिए तीन तलाक का मसला था और हमारे महिलाओं को गैस सिलेंडर मिला, गैस चूल्हा दिया मोदी जी ने। उज्ज्वला योजना के अंदर काफ़ी कुछ किया हमारे लोगों के लिए, सारी महिलाओं के लिए। तो इसलिए मुस्लिम महिलाएं बहुत प्रभावित हैं मोदी जी से और मोदी जी को ही वोट दिया। और आपको क्या लगता है कि अभी जो आने वाला समय है उसमें ये मोदी सरकार जो है मुसलमानों के लिए कितना हितैषी साबित हो? बहुत हमारे बदलाव देखा मैंने मोदी जी में बहुत ज़्यादा, मतलब भाजपा सरकार ऐसी है कि सबका विकास, सबका साथ चाहती है, सबको साथ लेके चलने वाली है, इसलिए मुस्लिम महिलाएं भी उनके साथ होनी है। और आप शाहिना गनी क्यों आप जो है भाजपा को साथ? अब इतने टाइम से देखते आ रहे हैं कि कांग्रेस में कुछ बदलाव हो ही नहीं रहा, तो हमने कहा क्यों ना नई सरकार को ही सपोर्ट करा जाए। और बदलाव हो रहा है, पहले से विकास हुआ है, बहुत सारी चीज़ों में ध्यान दे रहे हैं, इसलिए हमने सोचा कि चलो अब इसी में ही चलते हैं, मोदी सरकार में ही करते हैं। हमारी सब बहनों को भी हम लेके आए, बहुत सारी मुस्लिम महिलाएं जुड़ी हैं हमारे उसमें। पुरुषों ने भी, मुस्लिम पुरुषों ने भी? बिल्कुल पुरुषों ने भी। हमारा तो, हम तो वैसे MP के हैं, मध्य प्रदेश के, हमारा पूरा घर जो है ना BJP से ही जुड़ा हुआ है। क्यों, क्या और क्या कारण? मुसलमान वैसे भी BJP को से बहुत जो है दूरी बना के चलता है, पूरी मतलब सोच अलग है सबकी, ऐसा नहीं है, उनके अंदर झांक के देखो ऐसा नहीं है। कौन सी योजना आपको लगती है कि बहुत ज़्यादा कारगर? लगभग सारी ही योजनाएं आगे आ रही हैं पहले से, तो कांग्रेस पार्टी में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। कांग्रेस में ज़्यादा आरक्षण पर ही ध्यान दिया गया, अब क्या है हर तरफ से ध्यान दिया जा रहा है। जो उज्ज्वला जो योजना थी, हाँ जी, गैस कनेक्शन मिला लोग, हाँ, उससे महिलाएं कितना खुश है? काफी खुश है, बहुत खुश है। हमारे यहाँ की तो भाई तक बहुत खुश है, भाई बोलती है अरे हम तो बहुत रानी बन गए पहले से तो। ये शौचालय का कोई प्रभाव पड़ा मुस्लिम में? हाँ, ये भी बहुत फायदा सच में, ये तो मतलब सफाई भी हो गई है काफी टाइम से, चारों तरफ जहाँ देखो जेंट्स लोग खड़े हैं कर रहे हैं, कहीं पर भी आने जाने में प्रॉब्लम होती थी, अब जगह जगह शौचालय बन गए तो लोग उसमें जाने के सोचते हैं, उसी में ही जाते हैं, गंदगी नहीं बाहर आ रही है ना। तो ये सब बहुत सारी चीज़ों का ही क्या है, विकास ही तो हो रहा है सर। आप इधर आ जाइए, ये बताइए कि जैसे कि महिलाओं को आप बता रहे हैं कि मुस्लिम महिलाओं ने भाजपा को वोट किया, क्या पुरुषों में भी सोच में बदलाव आया? पुरुषों ने जब भाई लाभ मिलेगा तो जाहिर है कि उधर ही आदमी जाएगा। कांग्रेस ने तो आज तक कुछ दिया नहीं मुस्लिम लोगों, सिर्फ लोगों को लूटा है कांग्रेस ने, सिर्फ मुस्लिम लोगों को लूटा है कांग्रेस ने, कुछ नहीं किया मुस्लिम, ऐसा नहीं है। ऐसा है कि मुस्लिम लोगों को भी देख रहे हैं, दलित लोगों को भी देख, सबका साथ सबका विकास। मुस्लिम महिलाओं को तो लाभ है, तीन तलाक का हुआ या उज्ज्वला योजना में गैस का कनेक्शन या शौचालय हुआ, लेकिन पुरुष किस तरीके से जुड़े हैं? आवास मिला पुरुषों को तो रह रहे ठाट से जिंदगी जी रहे हैं, और क्या चाहिए, है ना, हर चीज तो मिल रही है मोदी जी से, मकान मिला, गैस चूल्हा मिला, शौचालय मिला, सड़क मिले, साफ सुथरा सब कुछ मिल रहा भैया, और क्या हमको चाहिए। कभी ये मुसलमान होने पे कोई मतलब कभी ये तो नहीं हुआ कि नहीं, 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 नहीं। सोच गलत है, ये सोच गलत है, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा अगर मोदी जी जीत रहे हैं तो कैसे जीत रहे हैं? अकेले हिंदू धर्म तो नहीं जीता रहा, कैसे जीत रहे? सपोर्ट मुसलमानों ने तो दिया ना भाई, मुस्लिम की भी तो बहुत प्रॉपर्टी पॉपुलेशन है, तो वोट कहाँ से मिल रहा है? ये भी तो एक सोचने में आ रहा है ना कि हाँ भाई सपोर्ट मिला है मुस्लिम को। ये कुछ मुस्लिम महिलाएं हैं जो भाजपा प्रदेश कार्यालय में यहाँ पे मौजूद है, उनका स्पष्ट रूप से ये कहना है कि काफ़ी बदलाव आया है मुसलमानों की सोच में, भाजपा को लेकर, खासतौर से जो सेकुलर पार्टीज़ ने जो अपीजमेंट पॉलिटिक्स है, जिस तरीके से मुसलमानों को डरा के और या वर्गला के वोट लिया जाता था, अब वैसा नहीं है, मुसलमान सोच रहे हैं जो उनके लिए करेगा और उसी को वो वोट देंगे। और भाजपा की
जो नरेंद्र मोदी की जो सरकार थी उसने सबके लिए काम किया और मुसलमानों को भी उससे फ़ायदा हुआ, चाहे वो शौचालय हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, हर चीज़ में मुसलमानों को भी बराबर का फ़ायदा मिला है जितना और दूसरे धर्म या वर्गों को फ़ायदा मिला है। सत्योदय के लिए कैमरामैन शकील के साथ मैं जुहैर दुरावी।